उन्नाव के सफ़ीपुर कस्बे के रहने वाले सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद साक्षी महाराज के अल्पसंख्यक प्रतिनिधि हसनैन बकई का सोशल मीडिया पर हाथ में पिस्टल लेकर लहराते एक फ़ोटो वायरल हुआ है। इसे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है। सफ़ीपुर कस्बा के पीरजादगान मोहल्ले के रहने वाले सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव और उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज के अल्पसंख्यक प्रतिनिधि हसनैन बकई का विवादों से गहरा नाता है। बुधवार को सोशल मीडिया पर कुछ फोटो वायरल हो गए, जिसमें खुद को धर्मगुरु बताने वाले हसनैन बकई हाथ में पिस्टल लेकर हवा में लहराकर रौब गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो सोशल मीडिया में वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर कई बिंदुओं की जांच में जुट गई है। सूफी इस्लामिक बोर्ड के हसनैन बकई को कभी जान से मारने की धमकी मिलती है तो कभी उन पर जानलेवा हमला होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसनैन बकई पर एक महीने पहले रात 2 बजे जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें 2 लोग फायरिंग करते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गए थे। हसनैन बकई की तहरीर पर सफ़ीपुर नगर पंचायत चेयरमैन सहित 3 लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया था। हसनैन बकई पर कथित तौर पर कई लोगों का लाखों रुपया हड़पने का भी आरोप है। आरोप लगाने वालों का कहना है कि उन्होंने उनसे ज़रूरत के नाम पर पैसे ले लिए और अब मांगने पर सालों से टहला रहे हैं। गौरतलब है कि हसनैन बकई जिस सूफी इस्लामिक बोर्ड के महासचिव हैं उस पर संघ और BJP से ताल्लुक़ रखने के आरोप लगते आए हैं। लोगों के आरोप हैं कि यह बोर्ड संघ और भाजपा के एजेंट के तौर पर काम करता है। इनकी भी भाषा वही है जो संघ और भाजपा की है। हसनैन बकई के UP CM योगी आदित्यनाथ से भी अच्छे ताल्लुकात बताए जाते हैं। वहीं वायरल फ़ोटो मामले पर हसनैन बकई का कहना है कि जो फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वह करीब 8 साल पहले की है। वो उस वक्त की है जब वह पढ़ाई कर रहे थे और जिसे पिस्टल बताया जा रहा है। दरअसल वह एक चाइनीज़ लाइटर है जो पिस्तौल की शक्ल में नज़र आ रहा है। इस मामले में कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत सिंह ने बताया कि वायरल फ़ोटो सांसद प्रतिनिधि से जुड़ी है, जाँच की जा रही है। मोहम्मद आबिद, दस्तक लाइव न्यूज़, उन्नाव।